स्ट्रीट 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 30 MCQs हैं उनको हम सोल्व करेंगे, जो आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें, चाहे जीके का पेपर होता है जिसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट है, या आपके कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ामों में ये बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संघीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री लोकसभा, प्रधानमंत्री लोकसभा, वित्त सचिव संसद, राष्ट्रपति संसद। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। जो बजट है वो भारत में वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में, ठीक है, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा हमारा है, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया। तो भारत में बजट प्रस्तुत करने की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई जो हैं उन्होंने 10 बार बजट जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है सबसे अधिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। तो जब हम अंतरिम बजट की बात करते हैं तो अंतरिम बजट क्या होता है कि जब सरकार को लगता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरे वर्ष भर अगर नहीं कर पाएगी, ठीक है, माना कि जैसे अधिकतर ये चांसेस कहाँ होते हैं, जब उस वर्ष में चुनाव होते हैं भारत में, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो अभी 2019 का जो बजट है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 का जो बजट नया प्रारंभ हुआ है वो भी सरकार ने चुनावों को देखते हुए अंतरिम बजट ही प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे हमको स्वतंत्र भारत का पूछा हुआ है, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम अंतरिम बजट जो है वो आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवम्बर 1947 को। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो रियल एस्टेट, परिवहन, रेस्टोरेंट एवं होटल, इन सभी को सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। टेलीविजन निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी क्रिया तृतीय क्षेत्र में शामिल होती हैं। तृतीय क्षेत्र में हम सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, तो गेहूं का उत्पादन ये प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, मोबाइल निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र का भाग है, बांध निर्माण जो है उसे हम तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं, और मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 2019-20 में बजट पेश किया गया, 2019-20 की अवधि में जो बजट पेश किया गया है वो किस प्रकार का है, अंतरिम बजट है। भारत के वित्त मंत्री का जो कार्य देख रहे थे, कार्यवाहक हम वित्त मंत्री कह सकते हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया था, तो इसको हम कहते हैं अंतरिम बजट, क्योंकि अभी 2019 में चुनाव संपन्न हो रहे हैं उसी को देखते हुए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। नेक्स्ट हमारा है, वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के रूप में रखा गया। तो जीडीपी के रूप में जो राजकोषीय घाटे को रखा जाता है, तो 2019-20 का जो अंतरिम बजट आया था उसमें ये जो लक्ष्य है अनुमान वो कितना रखा गया था, जीडीपी का 3.4%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के बजट में सबसे अधिक व्यय की मद है। तो 2019-20 का जो बजट है उसमें सरकार के द्वारा जो अधिक व्यय किया जाएगा उसका मद है टैक्स एवं फीस में राज्यों को जो हिस्सा दिया जाएगा उस पे। जबकि हम अगर सबसे अधिक अनुमानित आय की अगर बात करते हैं 2019-20 के बजट में, तो सर्वाधिक आय का जो अनुमान लगाया गया है वो सरकार के द्वारा एक तो निगम कर और दूसरा जो उधार है सरकार की जो लाइबिलिटीज होती है देयता होती हैं उनसे लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में व्यावसायिक फसल है, तो व्यावसायिक फसल सरसों, जूट और तंबाकू तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक दालों का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, खरीफ फसल कपास, तो ये सही है, कपास जो है वो खरीफ की फसल है, जायद फसल मूंग, ये भी बिल्कुल सही है, मूंग जो है वो जायद की फसल है, सरसों रबी की फसल है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से सही कथन नहीं है, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, ये बिल्कुल सही है, विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ये गलत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फल सब्जियों मसालों का उत्पादन उद्यान विद्या हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है, और उत्तर प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में विकासात्मक व्यय का भाग नहीं है, तो प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय, रक्षा पर व्यय, राज्यों को अनुदान, सामाजिक कल्याण स्कीमों पर व्यय, तो विकासात्मक व्यय मतलब सरकार के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर जो व्यय किया जाता है उसे हम विकासात्मक व्यय कहते हैं, चाहे सरकार के द्वारा सामाजिक सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाएं होती हैं, राज्य सरकारों को जो ऋण दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, तो इसलिए हम इसमें एक ऑप्शन नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए विकासात्मक व्यय दोनों नहीं है, प्रशासनिक सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है वो भी नहीं है, और रक्षा पर जो व्यय किया जाता है, ये दोनों विकासात्मक व्यय के भाग नहीं है, इसलिए किसी एक ऑप्शन को हम इसमें सही नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिनार्थ प्रबंधन का आशय है, हिनार्थ प्रबंधन जो है वो कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग को, मतलब जब सरकार का व्यय सार्वजनिक आय से ज़्यादा होता है तो सरकार को घाटा होता है, और उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार ऋण लेती, जैसे या फिर अगर नए नोटों को निर्गमित करती है तो नए नोट छापने का जो कार्य उसको हम क्या कहते हैं, हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है, भारत में किस क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है, जब हम सर्वाधिक रोजगार की बात करते हैं तो भारत एक तरह से कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं में लगी हुई है, इसलिए हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र द्वारा। नेक्स्ट है, अधिक का बजट उपयोगी होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, संतुलित बजट जब सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों अगर बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं संतुलित बजट, जब सरकार की जो अनुमानित आय है अगर वो अनुमानित व्यय की तुलना में ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं आधिक्य का बजट, और सरकार के जब व्यय ज़्यादा होते हैं आय की तुलना में तो उसको हम कहते हैं घाटे का बजट। अब देखिए सरकार की आय व्यय की तुलना में ज़्यादा है उसे हम कहते हैं आधिक्य का बजट, और ऐसा सरकार को कब करना चाहिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति है, तेजी की स्थिति है, तब सरकार को आधिक्य का बजट बनाना चाहिए, और अर्थव्यवस्था में अगर मंदी की स्थिति है तो सरकार को घाटे का बजट जो है वो अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से जीएसटी में सम्मिलित नहीं है, अभी जैसे वर्तमान में मई 2019 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जीएसटी जो है उसमें इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, कृषि उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और पेट्रोलियम उत्पाद, तो जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसे वर्तमान समय में अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, और भारत में जो जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और संयुक्त अरब अमीरात, तो जब हम व्यापारिक भागीदार की बात करते हैं वर्तमान समय में तो भारत का जो अधिकांश व्यापार है सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है, चीन, सी। अब देखिए यहाँ पर भारत जो चीन को निर्यात करता है उसकी राशि भले ही कम है लेकिन आयातों की जो राशि वो अधिक है, इसलिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्तमान समय में भारत का कौन है, चाइना। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप लिया गया, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई थी तो ये जो अवधारणाएं वो रूस से ली गई हैं, रशिया से।
नेक्स्ट हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं अधिकांश जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जो आजीविका का स्रोत है वो कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं हैं, इसलिए हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है, क्योंकि कृषि के माध्यम से अधिकांश जनसंख्या को रोजगार की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है वस्तु एवं सेवा कर GST सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो विश्व में अगर हम बात करते हैं तो जो GST है सबसे पहले कनाडा में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा है GST के संदर्भ में सही कथन नहीं है। GST ने भारत में सभी प्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया। GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। GST से भारत में एक रूप कर प्रणाली शुरू हुई। GST अंतिम खुदरा कर है। तो देखिए GST एक तरह से अंतिम खुदरा कर हम कह सकते हैं, फाइनल पॉइंट रिटेल टैक्स है एक तरह से हमारा। फिर GST से भारत में एक तरह से एक रूप कर प्रणाली हुई, पूरे भारत में एक जो टैक्स सिस्टम वो एक जैसा बन गया, ये भी सही है, इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं। और फिर GST जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, पहला ए ऑप्शन हमारा, ठीक है, कि भारत में जो प्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर जो है, अधिकांश अप्रत्यक्ष कर जो है उनको GST में सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है निम्न कर GST में शामिल हो गया, ठीक है, निम्न में से कौन कौन से कर जो है वो GST में शामिल हो गया, या जो करों के नाम दे रखे इनमें से कौन सा जो है उसे GST में सम्मिलित कर लिया गया है। तो निगम कर एक तरह से प्रत्यक्ष कर का भाग है, ठीक है, इसको GST में सम्मिलित नहीं किया गया है। संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर का ही प्रकार है, इसको भी सम्मिलित नहीं किया गया है। आय कर जो है वो भी प्रत्यक्ष कर है, GST में किसको सम्मिलित किया गया है, अप्रत्यक्ष करों को, इनडायरेक्ट टैक्स को, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, सर्विस टैक्स जो है उसको GST में सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित है। तो पूंजी लाभ कर, निगम कर और कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो केंद्र सरकार के कर हैं। शराब जो है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी राज्य सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। नेक्स्ट हैं भारत में सर्वाधिक महिलाएं रोजगार में कार्यरत हैं, महिलाओं का पूछा हुआ है, तो अधिकांश महिला जो हैं वो चाय के क्षेत्र में रोजगार में कार्यरत हैं, और कुल जनसंख्या अगर पूछी जाए तो वो कपड़े उद्योग में। नेक्स्ट हैं निम्न में से नकदी फसल नहीं है, तो जूट, मूंगफली और गन्ना जो है वो नकदी फसल है, ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो वस्तु उत्पादन पर लगाया जाता है, सी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से GST में सम्मिलित नहीं है, तो कुकिंग गैस, पेट्रोल और शराब, इनको अभी तक मई 2019 तक GST से बाहर रखा गया है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से आर्थिक वृद्धि का संबंध है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए आर्थिक वृद्धि की जो कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, उसमें बहुत सारे तत्वों का समावेश किया जा सकता है, कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़े, और आय की जो हम बात कर रहे हैं वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारे हम परिवर्तनों को देखते हैं आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में, इसलिए हम कहते हैं उपरोक्त सभी। अंतिम क्वेश्चन हमारा है निम्न से मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है, तो मुद्रा बाजार से इनमें से जो SEBI है, ठीक है, SEBI, ये मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है।